आज हम लोग y इक्वल्स टू लॉग सेक ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर लेक्चर नंबर 4 में शुरू करेंगे, वही चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल के सम्स को वापस हम लोग करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज फर्स्ट में ही काफ़ी सारे चेन रूल्स के क्वेश्चंस हैं। तो तुम लोग देख सकते हो व्हाट विल स्टार्ट विथ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग sec e रेस टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब सर्कल किस पे आएगा? पहले डेरिवेटिव के बाद क्या है? लॉग, और ये आ गया है मेरे x के जगह पर, करेक्ट कि नहीं? तो सोचो आग बंद करके, ये क्या बन गया? लॉग सर्कल, मतलब लॉग x। लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई x, 1 बाई sec e रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ई रेस टू एक्स स्क्वायर। तो वन बाई सेक ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या बचा? सेक एक्स, करेक्ट कि नहीं? तो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स बनेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बराबर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर। सही है ना? मैं आगे बढ़ू, ध्यान दो यहां पर, ये दोनों मैच करके कैंसिल कर देता हूं, जिससे कि ज्यादा ना लिखना पड़े। टेन ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर, मतलब ई रेस टू एक्स स्क्वायर मतलब ये x के जगह पर है। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट है? ई रेस टू एक्स बनाना, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है, तो मैंने यही लिखा इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, जब तक अकेला एक्स नहीं बन जाता। तो फाइनली इक्वल्स टू टैन ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, करेक्ट? बहुत सारे चेन रूल्स के क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। चेन रूल के क्वेश्चंस को इतना ज़्यादा इसलिए प्रैक्टिस कराया है जिससे कि प्रॉपरली हम सारे सम्स को कर पाए, बराबर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया रहेगा तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, मैं थोड़ा ट्रैक मिस कर चुका हूँ, तो अगर मिस हुआ रहेगा तो बताना, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करने की कोशिश करूँगा अगर इनकेस टफ क्वेश्चन रहा तो। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वन, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स माइनस टू होल रेस टू फोर, करेक्ट? तो शुरू करते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx equals to dy dx of x square plus 4x plus 1 whole cube plus dy dx of x cube minus 5x minus 2 whole raised to 4, हो गया? तो शुरू करते हैं, ध्यान दो,
यहाँ पर दो क्वेश्चंस है, इसको अलग से सॉल्व करना है, इसको अलग से सॉल्व करना है। दिखने में क्वेश्चन बड़ा है और लेकिन है वैसे ही। तो बोलो ये एक्स रेस टू एन तो है नहीं, सॉरी अकेला एक्स तो है नहीं, एफ एक्स, ये देखो ये सर्कल रेस टू एन है ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ ये पूरे क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं इस पूरे क्वेश्चन को पकड़ लेता हूँ यू, क्या पकड़ लूँगा यू, और ये एक बड़ा क्वेश्चन है इसको पकड़ लूँगा वी, ठीक है, जिससे कि इजीली सब्सटीट्यूट हो जाए, और ये यू और डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा यू का। तो लेट यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन होल क्यूब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन होल क्यूब। तो ये बन गया एक्स रेस टू एन, तो बनेगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, बराबर। तो ये बनेगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 4x का डेरिवेटिव 4, हो गया डेरिवेटिव। ये किसका पार्ट निकला, du by dx, मतलब इनडायरेक्टली हम इसका डेरिवेटिव निकाल चुके हैं du by dx पहला वाला। अब v वाला निकालते हैं, लेट v इक्वल्स टू x क्यूब माइनस फाइव एक्स माइनस टू होल रेस टू फोर। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स माइनस टू होल रेस टू फोर, बराबर। तो इनडायरेक्टली ये क्या बन गया, एक्स रेस टू एन, तो बनेगा फोर एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स माइनस टू होल रेस टू थ्री इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स माइनस टू, बराबर। तो देखो इक्वल्स टू फोर एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स माइनस टू होल रेस टू थ्री इंटू, शुरू करते हैं, अब ये सब छोटे छोटे इलेवेंथ वाले डायरेक्ट सॉल्व करने पड़ते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, फाइव एक्स का डेरिवेटिव फाइव और टू का डेरिवेटिव जीरो। तो ये रहा मेरा डी वी बाई डी एक्स का आंसर। तो लेट अस मार्क दिस एज इक्वेशन वन, बराबर ना, ये पूरा हमने यू वी पकड़ा था और इस आंसर को सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन वन, तो देयरफोर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, फाइनल आंसर को प्लस करते हैं, देखो ये है एक आंसर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस 4, फिर बीच का प्लस और सेकेंड पार्ट ये वाला 4x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल क्यूब इंटू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, फाइनल आंसर।
करेक्ट है, समझा सबको? आई होप। बस दो अलग सम और दोनों सम को बीच में डाला हुआ है प्लस। धीरे धीरे सम का कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ेगा और हम उस तरीके से सम को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है? नाउ फर्दर मोर लेंथी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, y इक्वल्स टू 1 प्लस 4x होल रेस टू 5 इंटू 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर होल रेस टू 8। अब पहले था प्लस, अब हो गया है मल्टीप्लिकेशन, तो देखो ये बन जाएगा u, ये बन जाएगा v। तो याद है ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल टू u इंटू v का फॉर्मूला, u इंटू d by dx ऑफ v प्लस v इंटू d by dx ऑफ u। पहला वाला बाहर, दूसरा वाला अंदर, दूसरा वाला बाहर, पहला वाला अंदर। तो शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूट करना, ध्यान से देखो क्या सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके तो देखो 1 प्लस 4x होल रेस टू 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेस टू 8 प्लस 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेस टू 8 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू 1 प्लस 4x होल रेस टू 5। बराबर, शुरू करें। तो देखो अब ये ठहरा बाहर, राइट, इसके साथ कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ इधर है। ये x रेस टू n है, मतलब x के जगह पर ये पूरा आया है ये गोला, तो बना 1 प्लस 4x होल रेस टू 5 इंटू x रेस टू n, मतलब इंटू 8 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 7, और क्योंकि गोला बना था, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। अब इधर का शुरू करते हैं, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेस टू 8, ये तो बाहर है, इसके साथ कुछ नहीं होगा, इंटू ये बन जाएगा फिर से एक्स रेस टू एन, तो बनेगा इंटू 5 1 प्लस 4x रेस टू 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 4x। बराबर, तो शुरू करते हैं 1 प्लस 4x होल रेस टू 5 इंटू 8 प्लस 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर होल रेस टू 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 0, करेक्ट, कॉन्स्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर होल रेस टू 8 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 4x होल रेस टू 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 0 प्लस 4x, मतलब 4 कॉन्स्टेंट, x का डेरिवेटिव 1। 11th में इसलिए डेरिवेटिव्स पूरा क्लियर होना चाहिए था, देखो 11th में इतने बड़े बड़े सम्स नहीं थे, लेकिन अभी आ गए। तो 1 प्लस 4x होल रेस टू 5 इंटू 8 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर होल रेस टू 7
इंटू वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेस टू एट इंटू फाइव वन प्लस फोर एक्स होल रेस टू फोर इंटू फोर. दिस इज द फाइनल आंसर. हो गया. आई होप तुम्हें समझ में आया होगा. नहीं समझा तो वापस रिपीट करके क्वेश्चन को देखो. ठीक है, वापस अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो देखो, यू इन टू वी, यू बाहर वी अंदर, वी बाहर यू अंदर. ठीक है, तो ये तो बाहर रहा, ये बाहर रहा, ये बन गया एक्स रेस टू एन. तो क्या बनेगा, एट थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेस टू सेवन इंटू डेरिवेटिव ऑफ थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेस टू एट इंटू फाइव फाइव वन प्लस फोर एक्स प्लस फोर. कहाँ से आया, ये रहा फिर से एक्स रेस टू एन. तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस वन. तो फाइव वन प्लस फोर एक्स रेस टू फोर, सर्कल वाले का डेरिवेटिव वापस, वन का डेरिवेटिव जीरो, फोर एक्स का डेरिवेटिव फोर, इसका डेरिवेटिव जीरो, वन माइनस टू एक्स, बस वही बिठाते चला गया. देखो बहुत सिंपल है, सिर्फ तुम्हें टेक्निक पर ध्यान देना है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, वाई इक्वल्स टू एक्स बाई रूट ऑफ सेवन माइनस थ्री एक्स. ओके, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, तो d बाई डी एक्स ऑफ x बाई रूट ऑफ सेवन माइनस थ्री एक्स, तो इनडायरेक्टली ये बनेगा u बाई वी. सॉरी कॉल आया था इसके वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस महसूस होगा. ध्यान से देखो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था, v d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी बाई वी स्क्वायर, यही फॉर्मूला था. तो लेट अस सब्स्टिट्यूट डी वाई बाई डी एक्स, और यू बाई वी करेंगे ना तो हमेशा हर क्वेश्चन को ब्रैकेट में डालने का, ये यू और ये वी. तो पुट करना शुरू करते हैं, रूट सेवन माइनस थ्री एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू पार्ट एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ सेवन माइनस थ्री एक्स बाई रूट ऑफ सेवन माइनस थ्री एक्स होल स्क्वायर. सही है, देखो सब ब्रैकेट में डालूंगा मैं, सब यू बाई वी के क्वेश्चन में ना, अगर तुम्हें एरर अवॉइड करना है तो ब्रैकेट में डालो, सबसे बेस्ट. तो शुरू करते हैं, देखो आगे का प्रोसीजर. तो तुम लोग भी जानते हो डेरिवेटिव के अंदर वाला सॉल्व होगा, ये बाहर है इसको कुछ नहीं होगा. तो इक्वल्स टू रूट ऑफ सेवन माइनस थ्री एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स ये ब्रैकेट वाला. अब यहाँ पर डेरिवेटिव के बाद क्या आया, रूट, मतलब ये बन गया एफ एक्स के बाद. इनडायरेक्टली क्या फॉर्मूला बना, रूट एक्स. रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाई टू रूट एक्स, करेक्ट. तो इंटू वन बाई टू रूट सेवन माइनस थ्री एक्स बराबर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेवन माइनस थ्री एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट और स्क्वायर कैंसिल, नीचे वाला बचा क्या, सेवन माइनस थ्री एक्स, करेक्ट है. आगे बढ़े तो देखो फाइनली क्या बनेगा, रूट ऑफ सेवन माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स बाई टू रूट सेवन माइनस थ्री एक्स बराबर इंटू इसका डेरिवेटिव, सेवन का डेरिवेटिव जीरो माइनस थ्री कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स का डेरिवेटिव वन बाय होल बाय सेवन माइनस थ्री एक्स.
करेक्ट। तो ये बनेगा, ध्यान से देखो, रूट ऑफ 7 माइनस 3x, ये माइनस और ये माइनस, क्या बन जाएगा प्लस, तो प्लस 3x बाय 2 रूट ऑफ 7 माइनस 3x बाय 7 माइनस 3x, बराबर। मैं क्या करता हूँ, LCM सॉल्व करता हूँ, ये इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या बनेगा 2 7 माइनस 3x प्लस 3x बाय 2 रूट 7 माइनस 3x इंटू 7 माइनस 3x, समझा। ये इधर LCM सॉल्व हुआ, इधर बाय 1 है, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ आ गया, बराबर। तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बनेगा 14 माइनस 6x प्लस 3x बाय 2 रूट 7 माइनस 3x इंटू 7 माइनस 3x, तो बना 14 माइनस 3x बाय 2 रूट 7 माइनस 3x इंटू 7 माइनस 3x। एम आई क्लियर, समझा सबको क्या क्या किया मैंने इस सब में, u बाई वी, बस सब कुछ सेम है, सेम स्टेप्स हैं, 7 माइनस 3x, x का डेरिवेटिव 1, फिर x बाहर रूट x बना, रूट x का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट x, फिर ये रूट और स्क्वायर कट गया इधर। अब देखो मैंने 7 का डेरिवेटिव निकाला 0, माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3, माइनस माइनस बन गया प्लस, इसका LCM सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो रूट और रूट मल्टीप्लाई हुआ तो रूट गायब हो गया, 2 ये 2 इधर रह गया, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर एक साथ आ गए, अंदर 2 को मल्टीप्लाई किया, 14 माइनस 6x प्लस 3x, 14 माइनस 3x और जो बचा ये, ठीक है, क्लियर एवरीवन। चलो बाय एवरीवन, बाकी का क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर।